मु समस्त स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को आज भिडियो में आलोचना करवा प्लस थ्री पंचम सेमिस्टर कोर ट्वेल्व जहाँ कोर एक्स डबल आई बोली कहीदेव तार थर्ड यूनिट संपर्क में मुझ तुमको बुझे दीजिए फास्ट रू भी कथा साहित्य बुझे दिली फास्ट यूनिट जो थी कथा साहित्य मैंने कौन क्या गाँव नहीं कि कथा साहित्य होता है सेकेंड यूनिट पड़ी छ मन आठ घंटा उपन्यास पूरा आम कवर करते हैं जो छवि सतैश परिच्छेद अच्छी सब पढ़ीता जो आम रही थर्ड यूनिट जो दाना पानी से आलोचना करा तो से जो दाना पानी और गोटे जिस अच्छे जहाँ कि नहीं कि अनेक छुआ कमेंट करते बहुत दिन जो सार नयनतारा आरंभ करूँ तो से जो नयनतारा दयानिधि मिश्र से ही भिडियो बर्तमान आम आलोचना करवा तो जेहतु देख तुम सिलेबस बहुत गुड़ा जेहतु मैंने फाइव सेमिस्टर सब कोर पेपर दुटा आउ डीएससी दुटा थी मैंने चार पेपर पढ़ाक पड़ू तो से मैंने मोर भी एक्जाम मैंने चलिए पढ़ापढ़ी मतलब समय होनी तुम सिलेबस कवर करने अनेक छुआ मैंने रेगुला कहते से आज तुम क्लास आज जे सार करेंगे जी कि तुम्हारा नाँ हूँ प्रमोद कुमार साहू मुझ भी क्लास करी है मैंने आम दुज मिसिक तुम सिलेबस को सारे चेस्ट करूँ जेहतु आम 24 आम उत्कल यूनिवर्सिटी एक्जाम स्टार्ट होता पर रमादेवी यूनिवर्सिटी रेवेन्सा यूनिवर्सिटी यही भाव में सब यूनिवर्सिटी एक्जाम मैंने डिसेंबर ही होगा डिसेंबर लास्ट में जीएम 15 अच्छी और राजेन्द्र यूनिवर्सिटी 20 एग्जाम अच्छी तो से दिजन मिसिक आम तुम कोर्स को सारे चेस्ट करूँ तो तुम आज तक क्लास कर भिडियो कमी लगेगा निश्चित भाव में जन पार कहीं फास्ट क्लास तो भिड मैंने से तरफ बेस्ट बुझा चेस्टा करेंगे से भी तो बहुत भल पढ़ाती तो तुम तर भिड कमी बुझेगा कि नहीं सेटा कह कमेंट कर जिते अधिक पार से सेयार कर मैंने मैंने कमेंट निश्चित भाव में कर किसी कर कि न कर कहीं से भी जापरेंगे जो मैंने पढ़ेगा शैली प्रकृत में छुआ मूँ आकृष्ट करना ना तो आउ किसी कहबी आज भिडियो मुझे रोचे है नेक्स्ट मुझ तुमको नेक्स्ट क्लास मुझे ने तो आज भिडियो से ही प्रमोद कुमार साहू से सार को अनुरोध करी कि से तुम क्लास ने प्रमोद कुमार साहू आज आम आलोचना करवा नयनतारा उपन्यास दयानिधि मिश्रंकर नयनतारा नयनतारा होची सामाजिक उपन्यास यही सामाजिक उपन्यास जे नयनतारा नारी चरित्र मुख्य नयनतारा होची जे समस्तक आखिरे से नयनतारा हिसाब से रही अछि तेनको तार नामकरण होची नयनतारा नयनतारा मुख्य चरित्र होची नयनतारा आम प्रथम एबे आलोचना करबा जे दयानिधि मिश्र लेखक परिचय विषय में दयानिधि मिश्र जड़े फकीरमोहन समसामयिक कवि से 1991 मसीहा जानुरी मास 21 तारीख में संबलपुर जिलार बरगढ़ अंतर्गत बरपाली तुलंडी ग्राम जन्मग्रहण करते दयानिधि मिश्र जड़े कवि गाल्पिक उपन्यासिक सुसंपादक स्वाधीन संग्रामी एवं आईनजीवी भाव में परिचित थे दयानिधि मिश्र अनेक गुड़िए उपन्यास रचना करते चारोटी उपन्यास रचना करते नयनतारा 1915 सामाजिक उपन्यास संयुक्ता 1921 ऐतिहासिक उपन्यास राणा प्रताप सिंह 1922-23 मसीहा ऐतिहासिक उपन्यास मानभंजन 1923 मसीहा एवं ता सहित से अनेक गुड़िए गल्प रचना करते 20 9 गल्प रचना कर ता भी आम आलोचना जावा से जेन गल्पगुड़ी रचना कर उत्कल साहित्य पत्रिका और मुकुल पत्रिकार प्रकाश लाभ कर मिलन 1914 शांति 1914 भूल 1914 अरुणा 1914 आकर्षण 1914 रूपक मूल्य 1914 कलिकाल टोका को बोल नाही 1914 प्रदीप निर्माण 1924 अमरवीणा 1948 उक्त तो समस्त गल्प नहीं कथा कदम नामक एक गल्प संकलन 1925-26 मसीह से प्रकाश करते प्रथम आम विषय प्रवेश उपरे आलोचना करवा नयन उपन्यासिक दयानिधि मिश्र तांकर चारोटी उपन्यास थिला कौन नयनतारा मानभंजन संयुक्ता एवं राणा प्रताप सिंह नयनतारा उपन्यासटी 1915 मसीह रचित होता यह सामाजिक उपन्यास भाव में परिचित इन नयनतारा उपन्यास इंग्रेज शासन समय जेन जो नवशिक्षित युवगोष्ठी थे आविर्भाव घटी एवं से आविर्भाव फल से मानकर नीति आदर्श अवक्षित भारतीय संस्कृत महनीयता को सुंदर भाव में आलोच्य उपन्यास विश्लेषण कर गोटे परिवार जीवन शैली दुईट आदर्श इंग्रजी शिक्षार प्रभाव जनित आदर्शर अवमूल्यायन एवं भारतीय संस्कृत उच्चांग आदर्श मध्य चित्र जो देखा मिलते कौन गोटे ना इंग्रेज शिक्षार प्रभाव जनित आदर्श किपर भाव में पड़ी एवं भारतीय संस्कृत उच्चांग आदर्श किपर भाव में शीतलुद्ध देखा मिली ता आम नयनतारा उपन्यास देखा पाइबा
ପରିଶେଷରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଜୟରେ ହିଁ ଉପନ୍ୟାସ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଭାରତ ଯେନ୍ ସଂସ୍କୃତି ଯେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ ଯେତେବେଳେ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏ ଉପନ୍ୟାସଟି ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଉପନ୍ୟାସଟି ମୋ ସର୍ବମୋଟ 20 ପରିଚ୍ଛେଦ ବୈଶଲ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ। ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ ଏ ଉପନ୍ୟାସ ଦୈନବିଶ ଉପନ୍ୟାସ ନାଟକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଲିକତା ସହର ନିକଟରେ ଥିବା ପ୍ରବାହିତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ସାଞ୍ଜକାଳୀନ ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହୁଛି ନା କଲିକତା ସହର ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ପ୍ରାକୃତିକ ଚିତ୍ରକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ଏହି କମନୀୟ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଶରତ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଦୁଇ ଜଣ, ଜଣେ ନବାଗତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନବାଗତ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ହରେନ୍ଦ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ କିଏ ନା ହରେନ୍ଦ୍ର। ଉଭୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କଥୋପକଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ତଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ପରିବାରର ପରିଚୟ ନେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିତ୍ରିକ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି ସେହି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଟରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ କୋଠାଘର, ସେଠାରେ ଥିବା ପରିବାରର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କହିଛନ୍ତି। ନବାଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ ହରେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ, ହରେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଏହା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ଅନେକରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ କାଳିପଦ ରାୟ। ନା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ନା ହରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ସେ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରସାଦର ପ୍ରସାଦ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି କାହାଙ୍କର ନା କାଳିପଦ ରାୟଙ୍କର। ହଁ, ନାମଟା ଯେପରି ଶୁଣିଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା କିଏ କହିଲେ ନା ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ଶୁଣିଥିବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାୟଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିନାହିଁ, ଶୁଣିଛ ହେଲେ ଏହା ମହାଶୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର, ମହାଶୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର, କାହା ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାୟଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କାଳିପଦ ରାୟ। ଏହାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ସହୋଦର ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଗୌରୀପଦ ରାୟ ଏବଂ ସେ ଘରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଞ୍ଜାଳ ବୁଝିଛନ୍ତି। କନିଷ୍ଠ ତାରାପଦ ରାୟଙ୍କ ବାବୁ ପ୍ରଥମେ ରେଲୱେ କାମ କରୁଥିଲେ। ନା ତାରାପଦ ବାବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କନିଷ୍ଠ, ସେ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ରେଲୱେରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟରେ ଓକିଲାତି ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରେଲୱେରେ କାମ କରିବା ସହିତ ସେ ଓକିଲାତି ବି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଜମିବାଡ଼ି କରି ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ରହିଗଲେଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ସଙ୍ଗେ, ଏବେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଅନେକ ଦିନ ଘର ଜମିବାଡ଼ି ସବୁକିଛି କିଣିଲା ପରେ ଏବଂ ସେ କିଛି ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଏବେ ରହିଗଲେଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ବସବାସ କଲେଣି, ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସଙ୍କୋଚବୋଧ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କେବେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବାକୁ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି କାହାକୁ। କଲିକତାରେ ରହି ଏମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ଭାଷାଭାବ ସବୁଠୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ହୋଇଗଲାଣି। ତାର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବ, ତାଙ୍କର ଭଙ୍ଗୀ ଯେଗୁଡ଼ିକ, ତାଙ୍କର ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଛି ବଙ୍ଗାଳୀ ହୋଇଗଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କାଳିପଦ ରାୟଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରିଚୟ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେନ୍ କାଳିପଦ ରାୟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ କିପରି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ସେ ସମୟରେ ଏଇ ନୟନତାରା ଉପନ୍ୟାସରେ ଆମର ଲେଖକ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଉପନ୍ୟାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ନେଇ ଏପରି ଏକ ନୂତନ ଶୈଳୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କାଳିପଦ ରାୟଙ୍କ ପରିବାର, କାଳିପଦ ରାୟ ପରିବାରରେ ହରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କାଳିପଦ ରାୟ ତତ୍କାଳୀନ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯେପରି ଭାବରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମୟ ଥିଲା ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର ସମୟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କାଳିପଦ ରାୟ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ କାଳିପଦ ରାୟ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବଞ୍ଚିତ କରିନାହାନ୍ତି, ଏ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ କୌଣସି ବଞ୍ଚିତ ନ କରିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବିଲାତ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜୀବନଧାରାର ଏକ ସମ୍ମିଶ୍ର କ୍ଷଣ ସତ୍ର ପ୍ରଭାବ ଦେଇଛି। କୌଣସି ନା ତାଙ୍କର ପରିବାର ବିଲାତ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଯେଉଁ ବିଲାତ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜୀବନଧାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। କାଳିପଦ ରାୟଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ନିଜ କାଳିପଦ ରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ ତିନି ଜଣ ଝିଅ ଯଥାକ୍ରମେ ବଡ଼ ଝିଅର ନାମ ନୟନତାରା, ଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ୟା ନାମ ସୌଦାମିନୀ ଏବଂ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ କନ୍ୟା ହେଉଛି ଟୁନି। ବଡ଼ ଝିଅ କିଏ ନା ନୟନତାରା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ୟା ହେଉଛି ସୌଦାମିନୀ ଏବଂ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ କନ୍ୟା ହେଉଛି ଟୁନି। ତିନି ପୁତ୍ର ଯଥାକ୍ରମେ ବଡ଼ ହେଉଛି ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସନ୍ତାନ ନରେଶ ଏବଂ ଡାକ ନାମ ପଟଳା, ନରେଶ ଡାକ ନାମ ହେଉଛି ପଟଳା, ମୁଁ ରଖିଥିବ ଦୁଇ ମାର୍କ ଆସିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ଯେ
जोगेश एवं रमेश, जोगेश और रमेश बिलात रही था, जोगेश और रमेश कौटे रही था बिलात रही था। पारिवारिक जीवन समस्त स्वाधीनता हरेन्द्र कालीपदार पर नहीं रही कही कथा उपस्थान कर हरेन्द्र कह पर देखा बहुत अच्छी भाई राय महाशय एकांत इच्छा जे पर गृह जगतर सकल स्थान अपेक्षा आदरणीय और आनंदमय स्थान करेंगे। से कहती जे परिवार एपरी होगा उचित सेठारे संत संध्या गण अंश अंशकोचन मिसिबे अंशकोचन में लिखिबे मन कथा कहिले अवहारित भावे कहिबे एपरी जदि परिवार न हेबे तबे बण जंगल तो रहिबा भलो केवल सेतिके नुए गान बाजनारे समस्त दुरंधर से निजे गाइबे बजाइबा मन जानती पिला मानु खूब भलो धरनर गाइबा बजाइबा सिखि थांती। कालीपद रे एतद व्यतीत तत्कालीन समय गोटे पार्श्वर इंग्रेज मान ख्रीटान धर्म प्रभाव थिला बेले अन्य पार्श्व ब्राह्मण धर्म प्रभाव देखा मिले गोटे पार्श्व कौन होना इंग्रेज ख्रीटान धर्म प्रचार चली पार्श्व कौन हो ब्राह्मण धर्म प्रभाव देखा मिली। ये ब्राह्मण धर्म दीक्षा युवक होती हरेन्द्र ब्राह्मण धर्म दीक्षा किए ग्रहण करना हरेन्द्र किंतु कालीपद राय कौन धर्म प्रति ईर्षा विदोष ना कालीपद राय कौन कौन धर्म को आफेक्ट नहीं कर आक्षेप नहीं कर ईर्षा भी कि विदोष भी नहीं कर ये समय हरेन्द्र कहते हरेन्द्र कहे कहीं पचारे कहते कालीपद राय कहते धर्म सम्बन्धे मुझे किसी जाणी ना तत्कालीन समय जड़े उच्च पदस्थ अफिसर होते कालीपद राय संस्कृत भाषा गुणा दृष्टि देखु नथिले बर निज झीर नयनतारा टूनी पुओ पटला को संस्कृत शिक्षा देवा निम्ते घर शिक्षक निजोग करते से निज बड़ झी नयनतारा आ टूनी पटला को संस्कृत शिक्षा एतद्वित ब्राह्मण शिक्षित संगीत शिक्षा देवा निम्ते दुईज को निजुक्ति देखते ये संस्कृत शिक्षा एवं संगीत शिक्षा देवाई दुईज शिक्षक निजुक्ति कालीपद राय नाटक रंगमंच रे किसी चरित्र मंच रु चलीगलापर यह प्रथम पर्याय शेष पर्याय हरेन्द्र और नवागत चली जाइए परवर्त पर्याय राय महाशय पर देखा मिली कालीपद राय और पत्नी और पुत्र सुरेश कथोपन हो कथार मूल उद्देश्य था नयनतारा बहुत प्रसंग कार प्रसंग चली नयनतारा बहुत प्रसंग सुरेश को इच्छा था नयनतारा को विदेश फेरता बंधुक सह बह देवाई सुरेश हो किए ना ये कालीपद राय पर जड़े होती ज्येष्ठ पुत्र किए सुरेश से कौन चाहते ना विदेश फेरता तो अंतरंग बंधु सहित से नयनतारा को बहुत बंधन में बांधे चाहूँगी कितु सुरेश मन में प्रश्न आसे घरे शिख हरेन्द्र को नहीं सुरेश मन कण आसी था ना मन जन हरेन्द्र जो शिक्षक करुले तेणु से कहती सुरेश कहती जानू ना कि माँ ये हरेन्द्र को भल पाइला जना जाऊँ पर समस्त प्रति तो अवहेला सुरेश मन मध्य हरेन्द्र प्रति घृणाभाव रही सुरेश मन भितर कार घृणाभाव जो ना हरेन्द्र प्रति हरेन्द्र माँ जड़े रांधुणी ब्राह्मणी हरेन्द्र माँ जो कौन रांधुणी ब्राह्मणी कि बंधु रमेश सिविल सर्विस पास कर सुरेशर बंधु होती पिला तो फेरता से कौन हो सिविल सर्विस पास कर रमेश नयनतारा को विवाह करने निम्त सुरेश इच्छा कि हरेन्द्र बी ए पास सुंदर व्यवहार चरित्रवान हरेन्द्र कौन कह से बी ए पास कर एवं से बहुत सुंदर एवं चरित्रवान कि हरेन्द्र तेणु उभय राय और गृहिणी हरेन्द्र प्रति इच्छा प्रकाश करते हरेन्द्र पर संपर्क कालीपद राय कहते राय कहते कालीपद राय कहते हाँ से कौन जानी जाणी मुझे जिते वकिलाती पढ़ुली से मासिक 200 टंका दे हरेन्द्र बापा हरदेव ठारु संस्कृत शिक्षा करी हरेन्द्र बापा हूँ हरदेव कितने टाँग देखिए शिक्षा लाभ करते ना 200 टंका देकर यही समय आम भितर बड़ बंधुता थी से उधार कर गोटे घर किणवा पड़ता मोठ देखार मुझे टाँचा पठाई देती कि तार पर वर्ष पूरी कि ना से चलीगली अनाथ विधवा पिलाटा को धरी केतेक कष्ट पाथ्व ए मध्य मुझे जाणी नी एटाक आसला शुणी हरेन्द्र बड़ होती डाकि आनी शीघ्र कामटा बुझा बुझाईदेली से 40 टंका पाए से तार अंटे ना आलोच परिचय उपन्यासक जो पर नहीं उपन्यास कथा गोचर कर से परिचित परिचय और उपन्यास नायक हरेन्द्र पारिवारिक जीवन को उपस्थान करते प्रथम परिचय कौन देखा ना हरेन्द्र पारिवारिक जीवन किपर भाव था तार कालीपद राय ज्येष्ठ पुत्र सुरेश आभिजात्य मोहर देखा किपर भाव देखा मिली थाए से आम देखा प्रथम परिचय जो मोह व्यक्ति गुण को अणदेखा कर सूचना मिली थाए जहाँ कि हरेन्द्र होती रांधुणी ब्राह्मणी पुओ तेणु तार प्रति गुण भाव क्या देखा था सुरेश देखा मिली थाए रांधुणी ब्राह्मणी पुओ बोली हरेन्द्र आम एवं आलोचना करवा द्वितीय परिचय
द्वितीय परिचय उपन्यास राय महाशय सर्वधर्मर भावना प्रति सम्मानबोध उल्लेख करने सहित नयनतारा माध्यम इंग्रजी शिक्षा भाषार प्रति युवपीढ़ीों प्रति व्यंगति प्रकाश करते कौन कराइए ना राय महाशय कौन कहते ना समुद आम नयनतारा माध्यम इंग्रजी शिक्षा किपर भाव में युवपीढ़ी मैंने व्यंगोक्ति प्रकाश करते राय महाशय पर कौन धर्म को नहीं घृणा भाव नाला घरे भुवनेश्वर विद्यारत्न महाशय हुगुली जोन जड़े मुसलमान हरेन्द्र तर जमगत बंधु ब्राह्मण धर्म ए समस्त एकत्र देखी राय महाशय कहते राय राय महाशय कहते गुरुदेव हिंदू मौलवी साहेब तो पठाण तुम्हें तो ब्राह्मण आउ मु तो ख्रीटियान राय महाशय निजक ख्रीटान कहार विद्यारत्न कही विद्यारत्न आमर कौन आचार आपड़ मानती ना बोली लोके ख्रीटान कही कि आप देखी मन हुए ख्रीटान मैंने जदि आपरी उच्च हृदयवान तेज से धर्म केवल जगत पृष्ठ होते परवर्ती पर्यायर बड़ भाई सुरेश कथा पदकेक इंग्राजी शब्द उच्चारण नहीं नयनतारा विरक्ति भाव प्रकाश करते सुरेश जो कही इंग्रजी शब्द जो उच्चारण कर नयनतारा आम उपन्यास नायिका विरक्ति भाव प्रकाश करते मत में ओडिया पिले ओडिया कहीं न कहे इंग्राजी और ओडिया भाषा मिसे कहते भाषा को खेचुड़ी भाषा बोली व्यंग कर किए ना नयनतारा कहते खेचुड़ी भात बोली मतलब भाषा समृद्धि निज भाषार शुद्ध भाव उच्चारण करवा उचित मत हो भाषार शुद्ध उच्चारण करता उचित यह परिप्रेक्षी में नयनतारा इंग्राजी भाषा द्वारा प्रभावित युवपीढ़ी को लक्ष्य कर नयनतारा कहते से देखुन आजिकल शिक्षित लोक द्विपद शुद्ध ओडिया कही पारना प्रति वाक्य इंग्रजी पद के मिस खेचुड़ी नक से कथा कही पार खेचुड़ी अर्थ हताकर्बाटा मिसे खेचुड़ी नक से कथा कही पारे ना से सब शुणिले किए किए न हसी पार अमूल लोके मत टी को कल करती बड़ बेड इंस्पिरेशन क्रिएट हो गला टी केयरफुल हो चलवाक होते जे कहती ता हिसाब ना ये भाषार अभिवृत्ति क्योंटी हेब एत इंग्राजी नव्य शिक्षित आचार व्यवहार मत संपूर्ण रूप संस्कृति छोड़ा छिड़ा होता गुरुजन मान को सम्मानबोध किपर भाव दिजिव छोट मान स्नेह देवा इत्यादि भारतीय भावना दूरे रोते किए सुरेश एक प्रकार हेंजड़ा प्रकृतिर थी एवं से समय नयनतारा कहते नयनतारा कहते जहाँ बोल बोल सीना तुम नव्य सभ्य मैंने बड़ हेंजड़ा फकड़ बयसर मर्दाजा ना स्थान अवस्था ज्ञान ना गोड़ को फाटी ठिया हेबी पैंट पकेट हाथ भर्ती कर बाबू हेबे समस्त मुहरे मुखाग्नि देलापरी सिगारेट स्वर्ग मर्त यहपर विषय ना जहाँ से मैंने हसी उड़ाई न देवे गाँवली टोकाटा देखिले नखर नासी पर्यंत शुणी एपरी गुड़ाक श्रद्धा कर नयनतारा संलाप मध्यम लेखक तत्कालीन इंग्राजी नव्य शिक्षित श्रेणीत व्यक्ति करपरी राधानाथ राय तर दरबार काव्यरे फकीरम सेनापति जपर सब जमीदार डाकवंशी आदि गल्पर उल्लेख कर ठीक से हीपरी भाव में आम दयानिधि मिश्र नयनतारा उपन्यास कि संलाप प्रयोग करें देखा तृतीय परिच्छेद तृतीय परिच्छेद कथाकार प्राचीन शास्त्र मान गुरुत्व समय उल्लेख कर शास्त्र प्राचीन शास्त्र गुरुत्व विषय आलोचना करते तत्कालीन इंग्रेज सभ्यता जो समस्त भगवान को नहीं गर्व कर भारत सब घृणा दृष्टि विचार करती इंग्रेज सभ्यता कौन कर गर्व करुले समस्त भावना को नहीं गर्व कर भारत संस्कृति घृणा करुले आम प्राचीन शास्त्र में पूर्व वर्णित रही केवल आम मान अध्यावसर भाव में जदि प्राचीन शास्त्र गुड़ ठीक रूपे पठन कराता तेज समस्त जीवन दर्शन जहाँ मिलता सबकि आचार व्यवहार संगठित रूप आम संस्कृति ही आरंभ होती आम जो भारतीय संस्कृति अच्छे से कौट आरंभ हो आचार व्यवहार गुड़ा कौटू आरंभ हो आम भारतीय संस्कृति सब गुड़ किसी आरंभ हो यह भावना को व्यक्त करने को जाए लेखक शिक्षक पंडित विद्यारत्न नयनतारा को शिक्षा देवा समय घटना गुड़ उपस्थान कर पंडित विद्यारत्न नयनतारा को कालिदास विचरित रघुवंश काव्य अज अजविलाप काव्यांश को पढ़ाऊ काव्यांश हूँ गृहिणी सवि सचिव सखी मिथ प्रिय शिष्य ललिते कला वैद्य करुणा विमुख मृत्यु ना हरणम त्वम वद्यम नमे भृत्यम अर्थात हे प्रियसी तुम्हें मोर गृहिणी मोर मंत्री मोर निर्जनर बंधु तुम्हें गीत विद्यारे प्रिय शिष्य थिलो कह निर्दय मृत्यु तुमको हरण कर मोर आउ कौन बाकी रही वाक्यांश अर्थ शुणा पड़े नयनतारा या सभ्य समाज अर्थात इंग्रेज भावर बोली उपस्थापन करंग्रेज पढ़ुआ मैंने कहती
कंपालसिप ए शब्दटी अर्थ को नयनतारा पंडित महाशय को बुझाई दे जाती नयनतारा कहले से शब्द अनुरूप ओडिया शब्द मलिबा कष्ट स्त्री गायस्थ रोग रोगरे सुखरे ज्ञान रे धर्म रे साहित्य रे सबुतिर सहचरी या कहले जा बुझाई जाए यह शुणि पंडित महाशय भारतीय संस्कृति एपरी भावना अनेक पूर्व थी कहती पंडिते वाह सुंदर रूप तो प्रकाश कर भावटी कि से कालीन थिला बलिष्ठ अरुंधति नलंकर दमयंती सत्यवान सावित्री किए भाव पत्नी हो नी समय हरेन्द्र को उपस्थित हो समय कही हरेन्द्र मध्य भारतीय संस्कृति जयगान करने कोई पत्नी उपयुक्त कार्य संपर्क कही हरेन्द्र कही नाही काहेकि अनेक स्थान अच्छी किंतु शास्त्रादी बारंबार ए उपदेश बाणी दि जाइए स्वामी को गुरुपरि भक्ति करने को भाव ये देशर प्रबल बहुत नियोजा से मानकर हरेन्द्र को हरेन्द्र कह नाही काहेकि अनेक स्थान अच्छी किंतु शास्त्रादी बारंबार ए उपदेश बाणी दि जाइए स्वामी को गुरुपरि भक्ति करने स्वामी को किपर भाव भक्ति करवाक ना गुरु भाव गुरु को जेपर आम व्यवहार करपर स्नेह ममता दे था से ठीक से परी स्वामी को मध्य स्त्री कौन करते ना गुरुपरि भक्ति करने पड़ता है से भाव ये देश प्रबल व्यवहार नियम थे प्रणय जन्मे एतकी केवल प्रभेद भारतीय प्राचीन शास्त्र बहु उपदेश नीति शिक्षा जड़ित भारतीय प्राचीन शास्त्र कौन कौन रही अनेक प्रकार उपदेश गुड़ाक अच्छी उन्नीस प्रकार नीति शिक्षा गुड़ाक जड़ित हो रही कौटे ना प्राचीन शास्त्र गुड़िक सठिक रूपे बोधगम्य कले हृदय को स्पर्श करवा जीवनशैली को सठिक मार्ग देते यदि आम ताकि जदि हृदयपर्शी करवा तो जीवनशैली को सठिक मार्ग कराई रघुवंश कैब्र महनता को नहीं नयनतारा कहते नयनतारा मोरे बड़ आश्चर्य लगुच कालिदास प्रतिभा श्रद्धा बढ़ुच्च देखुचु रघुवंश तो गोटे राजवंशर वंश परंपरा वर्णना रघुवंश कौन अच्छे ना गोटे राजवंशर वंश परंपरा वर्णना अच्छे एत राजा वर्णना कला बेले ग्रंथ को मनोरम कर करिवार बड़ कष्ट किंतु कालिदास को किसी आश्चर्य शक्ति जे शुष्क काठरु सुमधुर रस बाहर कर अजप अज विलाप कि सुंदर गोटे गोटे श्लोक प्राण को वर्ण स्पर्श कर आलोच्य प्रसंग में नयनतारा और हरेन्द्र इंग्राजी भाषार गुण दृष्टि विचार करना बर इंग्राजी सभ्यता द्वारा प्रहित नव्य शिक्षित युवगोष्ठी को आचार व्यवहार प्रति क्षोभ प्रकाश कर इंग्रेज सभ्यता अच्छी से नव्य शिक्षित गोष्ठी जन जन अच्छा आचार व्यवहार उपर क्षोभ दृष्टि कर घृणाभाव चात कर किए हरेन्द्र और नयनतारा नयनतारा बापा लाइब्रेरी रू इंग्राजी कवि सेलिंग लव फिलोसफी बहुटी हरेन्द्र आनी तार एक अंश को आवृत कर ओडिया अर्थ व्यवहार कर पूर्व घोषणा कर द स्पन्टानियस मिंगली विथ द रिवर एंड द रिवर विथ द ओसन द वाइंड अफ द इवेन मिक्स फर इवर विथ स्वीट इमोशन नथिंग इन द वर्ल्ड इथ सिंगल ऑल थिंग बाय ए ले डिवाइन इन वन एनदर बिगिंग मिंगिल व्हाई नॉट आई विथ थीम निर्झर मिसई तटनी संगते तटनी मिसई सगर जले पवने पवने मिले उठे स्वन चीर सुकुमय प्रण भरे ए जगत बुके एका नाही केही छंदा छंदी जे विधि विधाने मिसई प्राणे दशर पुराण मुकिपान मिसई तव पुराणे एटा कौटार आलोचना है ना लव्स फिलोसफी या किए आलोचना कर किए उपस्थापना कर हरेन्द्र सेलिंग यही कवितांश विश्वप्रेमर भावधारा प्रयोग नयनतारा मतलब जेपर समुद्र विश्वब्रह्मांड एक डोरी बंधा नयनतारा मतरे कौन है ना समस्त विश्वब्रह्मांड गोटे डोरी रे गोटे डोरी बोले गोटे सूतार बंधा होती से डोरीटे हूँ प्रेम से डोरीटी कौन ना प्रेम से डोरीटर नाम हूँ प्रेम से प्रेम नामक डोरी रे ए विश्वब्रह्मांड ए समग्र सृष्टि जेन हो विश्वब्रह्मांड गुड़िक गोटे प्रेमर से डोर में बंधाई परवर्त समय नयनतारा प्राचीन काल लोक मन विषय पर गुरुत्वपूर्ण करते अतीत काल लोक मैंने धार्मिक नैष्ठिक थे संध्या सका पूजा होम दर्पण आदि कार्य विधि गुड़ाक सका संध्या समय पूजा विधि होम इत्यादि करुले कि तत्कालीन समय यह देखा मिलू ना बर्तमान से मिलूना आग काल मिलूला एवं बर्तमान ना जेपर भारतीय संस्कृति मूलद्वा भूसुड़ी पड़ा लक्ष्य कर दुख कष्ट सहयोग मनुष्य आध्यात्मिक दिगरे निजक प्रवर्ताऊँच नयनतारा मतरे मतरे
दुख कष्ट रही ईश्वर आराधना कले भगवान जाग्रत हेब। दुख कष्ट ईश्वर आराधना करवा पूजा विधि करवा होम यज्ञ करवा इत्यादि कले कौन भक्तिभाव जाग्रत हे क्या प्रति ना भगवान प्रति। किंतु ए मतवाद को खंडन कर ब्राह्मणधर्मी हरेन्द्र ताक मतरे भगवान सानिध्य केवल मनर भक्ति विश्वास लोड़ा। हरेन्द्र कौन कहते जदि भगवान को भगवान को सानिध्य लाभ पाइबापी हेले भगवान को निकट में भक्ति एवं विश्वास करने पड़ता है। ये प्रसंग में हरेन्द्र एक सुंदर हिंदी कविता कहते हैं यहाँ आलोचना करवानी कहीं आम पाखे समय कम सबुबले गाधोई नैष्टिकता देखले जदि हरि मिलते तेरे जज्र जंतु होती फलमूल खाई बंचते जदि हरि मिलते तेणु मु बादुड़ी आंकड़ हो जाती किए कौच ना हरेन्द्र कहते आउ पथर तुलसी पूजा कर जदि हरि पाइबाक हुए मु पहाड़ तुलसी जंगल पूजा करी दूध पी बचिले जदि हरि प्राप्त हुए तेज पिलाटे होती कि सब कले भी जदि भक्ति ना से केवल मिले ना तेणु भगवान सानिध्य केवल मोर भक्ति एवं विश्वास लोड़ा। आलोच्य प्रसंग में ईश्वर सानिध्य भक्त भगवान गुरुत्व दी प्रतिमा पूजा किंवा उपासना अपेक्षा मनरे भक्ति भावना निहाती जरूरी ईश्वर प्राप्ति निमंते प्रतिमा पूजा एवं उपासना एवं भक्ति भावना निहाती जरूरी ताहले जाए आम ईश्वर प्राप्ति पाई सानिध्य लाभ पाइबा कह उपन्यास ब्राह्मधर्म मूल मंत्र ब्राह्मधर्म हो कि हिंदू धर्म एक भक्तिभाव जाग्रत करने उपाय ब्राह्मधर्म कौन थी ना हिंदू धर्म भक्तिभाव जाग्रत करने गोटे मूल ग्रंथटे थी कहुई क्या प्रति घृणाभाव रखा उचित नुहे प्रत्येक प्रति दयाशील होगा उचित क्या प्रति घृणाभाव दरकार नहीं न प्रत्येक प्रति दयाशील भाव स्नेह भाव रखा उचित यह भारतीय संस्कृति आदर्श किंतु इंग्रेज पढ़ा द्वारा साधारण घृणाभाव सृष्टि होगा नयनतारा कहते समस्त को स्नेह आदर करवा क्या घृणाभाव जाग्रत करवा ना नयनतारा एगुड़ाक सब कहते हैं जेन दिन इंग्राजी शिक्षा जेन दिन आरंभ होगा से दिन ठीक कौन होना पढ़ा पढ़ा द्वारा गुणभाव समस्त जगत होती नयतारा कहते आम सब इंग्राजी पढ़ी खराब हो गलु लोक को गुणा करवा सहजर शिखिलु देखूँ मोर ये इंग्राजी पढ़ा बाबू प्रति कहीं विराग रही अच्छे एथपाई मुझे भक्ति पारिपरि इंग्राजी पढ़ुआ बाबू मैंने अन्न गुणा करुले सहित निजक से होते इंग्राजी पढ़ुआ बाबू मैंने कहते अन्न मान गुणा करुले सहित निजक सजे होते किए मैंने ना इंग्राजी पढ़ुआ बाबू मैंने मन भितरटा दुर्गंध में परिपूर्ण थिले बारटा सैकन्न द्रव्यर जोश होता सैकन्न द्रव्य अर्थ जेना आम अंतर गुड़ाक जेन कहुसी जेना आम साजसज्जा द्रव्य गुड़ाक ये समय नयनतारा कहते नयनतारा कहते शुणी ए बाबूंर टयलेट होगा एक घंटा लगे टयलेट गाधुआ बेले तीन रकम साबुन लोड़ा थे चार पांच रकम सुगंध लगे पैंतीस टाँचा डजन मौजा नहले पादरे दिया हुए ना भाई मोर एपरि लोक मुंडरे नहीं बसाती भाई सुरेन्द्र सुरेश भाई एपरि इंग्रेज पढ़ुआ नव्य शिक्षित व्यक्ति को सांग होता मोर तो एमान को पाख मारक इच्छा हुए ना ये किए कौन ना नयनतारा कहते भारतीय संस्कृति अतिथ्य देव भव को ग्रहण करता आम भारत संस्कृति कौन करते अतिथि देव भव को ग्रहण करता अतिथि जनक जेपरी आचरण करूना कहीं भारत सम्मान देते अतिथि जेपरी आचरण करू कि भारतीय लोक मैंने कौन करते ना सम्मान करना अतिथि मानक यही संस्कृति आराध्य बोध जहाँकि इंग्रेज पढ़ुआ नव्य शिक्षित मानक देखा मिल न था क्या मिलता है आम भारतीय संस्कृति इंग्रेज पढ़ुआ मानक देखा मिल न थाए आम भारतीय संस्कृति गुड़ाक लोप पाइला भारत ग्रहण करते हैं अतिथि हूँ ईश्वर सदस्य आम जो अतिथि होती कौन कार सदस्य ना भगवान ईश्वर सदस्य ए समय हरेन्द्र कहते जेपरी कहले कौन हे सर्वदेवामय तिथि अतिथि अभ्यगत सेवा कर तो समस्त देवपूजा पूजा कर आलोच्य परिषद को उपन्यास को एक इंग्राजी नीतिमूलक कवितांश उल्लेख कर आरंभ करपरी कथा सम्राट फकीरमोहन सेनापति निजर उपन्यास कृति में देखा देखी जाइंट यह कवितांश में भावधर्म को नहीं उक्त परिच्छेद विषयवस्तु देखा मिलता है लेखक लिखते आवर नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे विथ हुम वी कन्वर्स डे बाय डे। तृतीय परिच्छेद समाप्त होगा आम एवं चतुर्थ परिच्छेद नयनतारा सेवा सेवापरायणता एवं बिलात फेरता मिस्टर ल्यांट बिलात रु से आ मिस्टर ल्यांट सुरेन्स इंग्राजी पढ़ुआ किसी जुगबंधु
सुरापान सुरापान जेन मद्यपान जेन सुरापान कहुएसी तांको द्वारा मानसिक विकारग्रस्त होता भावना को नहीं आलोच्य परिचित गतिशील होती आम चौथ पर्यटन आलोचना करवा कौन होना बिलात परंता सुरेश इंग्रेज पढ़ुआ बंधु अंतरंग बंधु मिस्टर लैंड से कौन कहते बंधु मान सहित सुरापान मद्य ग्रहण कर मानसिक विकारग्रस्त हो पड़ते चौथ पर्यटन आलोचना करवा नयतान हृदय में सर्वदा दया स्नेह विराजमान होता है अतिथि सेवा को से गुरुत्व दे था किए नयतारा सया देव दया स्नेह अतिथि सेवा को से गुरुत्व दे था यद्यपि से मनोवृत्ति से थे एक ज्वलंत दृष्टांत कालीपद राय सान भाई तारापद बाबू ज्वर से पीड़ित थे नयतारा तारापद राय पुत्र विनोद सह कलिकता जाए पहुँची गोटे समय कौन हो कालीपद सान भाई तारापद बाबू ज्वर से पीड़ित थे से समय कौन हो तारापद राय पुत्र विनोद सह कलिकता जाए पहुँची थी नयतारा सेवार तारापद राय संपूर्ण सुस्थ हो गले कका और खुणी प्रति नयतारा आद अपार स्नेह एपरिक तारापद राय मद्यपान को नयतारा सबुदिन छड़े तारापद जो मद्यपान ग्रहण करते नयतारा कौन कहते सबुदिन छड़े मद्यपान ग्रहण करवा यह प्रसंग लेखक स्नेह आदर गुरुत्व सब हाय हाय रे स्नेह कि अपूर्व शक्ति आपण लोक शत शत वर्षना उपदेश जहाँ हो न था स्नेह आदर ता करे भाई खराब हो गले बड़ भाई जदि ताको स्नेह आदर न कला तार मंद आचरण घृणा कला अनादर कला तेब तार मंद आचरण कौन भल हे ना स्नेह कर आदर कर देख कीड़ी पाषाण हेले मद बाट को आसीज तारापद बाबू से दिन ठीक मद छाड़ी जुवपीढ़ीर असामाजिक कार्यकलाप तत्कालीन समय जुवपीढ़ी असामाजिक कार्यकलाप अधिक घृण्य था जुवपीढ़ी जुवपीढ़ी मानक अधिक घृण्य भाव था यार प्रमाण स्वरूप नयनतार निजर ककांर ज्वर भल कर ट्रेन में घर को फेरुवा समय किसी युवक मान प्रति अश्लील इंकित को प्रमाण होती जेन समय नयनतारा ट्रेन में बसिक जाऊँ घर को समय युवक मान अश्लील इंगित अश्लील इंगित खराब चाहणी हरेन्द्र बाबू स्टेशन में पहुंचे नयतारा ठार् युवक मानपरी कार्यकलाप शुणी क्रोधित हो पिटा आरंभ कर दे किए यपरी से कार्यकलाप को देखिए युवक से यपरी कार्यकलाप को देखिए किए ना नयतारा नयन हरेन्द्र बाबू स्टेशन में पहुंचे नयतारा युवक बाबू यपरी कार्यकलाप देखी क्रोधान्वित राग हो जाते हई रे बदमाश तुम घर कि माँ भी नहांती कि यपरी कथा क्या कौच सुरार प्रभाव इंग्राजी पढ़ुआ नवशिक्षित गोष्ठी बिलात फेरता जुवपीढ़ी सुरार प्रभाव अत्यंत उत्कृष्ट था सुरा एम निज संस्कृति ठार् संपूर्ण रूपे दूरे जाए पाश्च्य शक्ति अधिक आपर भावी मद्यपान को अभिजात प्रतीक रूप ग्रहण करते यार ज्वलंत उदाहरण होती सुरेश बिलात फेरता बंधु डाक्टर लैंड कि इंग्राजी पढ़ुआ जुवबंधु सुरेश जड़े इंग्राजी पढ़ुआ नवशिक्षित युवक तेणु निजर भौणी नयनतारा उपयुक्त बर रूपे डॉक्टर लैंड को पसंद करते किंतु लैंड स्वभाव को नयनतारा घृणा दृष्टि विचार करते कारण दृष्टि लैंड को यद व्यतीत तत्कालीन नवशिक्षित गोष्ठी मद्यपान लक्ष्य कर लेखक कहते राय महाशय घरे बिलात फेरता आउ केत इंग्राजी पढ़ा बाबू को सुरेश सुरा दे था किए दे था सुरेश इंग्रेज पढ़ुआ बंधु मान समय यार मात्र अधिक होता है एणे सुरार प्रभाव और सामान्य कथार मुखर हास्य बाहर मुखर से कदाकार भंगी हुए ताड़े असुंदर जे समय सुरा जो ग्रहण कर समय हास्य बाहर एवं मुखर कदाकार भंगी नयतारा आतिथ्यतार कौन अवहेला करना नयतारा अतिथि सेवार कौन अवहेला करपर भाई कहवा अनुसार सौदामिनी संगीत शुणी मद्यशक्त मानक रंगढंग देखी सौदामिनी हसी हसी घर भेद पलैले नयतारा एपरी मद्यप अर्शक मानक उद्देश्य कही इतर तापस तानी जथे छाया विरत तानी स्ने चतुरा नन आरसिकेशु रस निवेदतम शिरसी मालिक्य मालिक्य मालिक नयतारा मुझे श्लोकटी गाय गाय जाऊँगी तार अर्थ कौन शुणब हे विधि शत शत प्रकार अपार जेकोसी दुख दिय सही कि अरसिक जी ता पाखे रस समय बाड़ी बसवा जे दुख ता मो कपाड़े लेखना लेखना डॉक्टर लैंड रूप डॉक्टर लैंड रूप अत्यंत कदर्ज कदाकार रूप यह सब लेखक कहते डॉक्टर लैंड रूपगुण किसी वर्णना नक उपन्यास पूर्णता रही कह आवश्यक लोकटा रोगणा वर्ण कृष्णर पाखापाखी
पखाख ताबुन घसी घसी देह गोटे बैगणिया रंग बाहर मुहटा श्वेता बा धला गाड़ हून हाड़ दुईटा पदा को उच्च उच्च हो बाहर पड़ी चक्षु दुईटी कोटरी बस्ता कलापर दिशुच मोर तल भाग अपेक्षा ऊपर भागटा चेप्टा सान कपाल ओसार दि अंगुल हे एवं लैंड डाक्टर आउ एक बीचकुलिया रोग होशटा उपर हाथा अवनत पड़ी कि सुंदर से निश शाग उड़ी ठिया हो लैंड लैंड जरिया लेखक तत्कालीन इंग्राजी नवशिक्षित रूप उल्लेख कर आलोचना करवा पंचम परिच्छेद राय महाशय दयनशील दयन दयाशील थे एवं अन्य कार सुविधा असुविधा साथ देते एपरि दयाबल भाव भावना नयनतारा और मिसेस राय मध्य परिच्छेद लेखक राय महाशय दयाशीलता और नयनतारा पुराणा कालिया लोक मान गभर विश्वासबोध एवं तत्कालीन इंग्राजी पढ़ुआ लोक मान प्रति घृणा भाव हरियाणा पूर्व गंडगोल को नहीं मरणात्मक आक्रमण एवं राय परिवार सेवा द्वारा हरियाणा आरोग्य लाभ आदि विषय वर्णित हो नयनतारा गृहशिक विद्यारत्न नातीर अन्नप्रसन्न निम्ते आवश्यक समस्त गहना राय महाशय देते कि देते राय महाशय विद्यारत्न नाती अन्नप्रसन्न यह प्रसंगे राय महाशय कहते तेरे मोर कथ आ कि नुहे पिलाटी जे समस्त गहना पत्र लगे से आपण को देवी एक कि जानवि ना नयनतारा पूर्वकाल लोक ए समय लोक चली आचार व्यवहार को नहीं तुलना करती मत पूर्वकाल लोक मैंने हृदय स्नेह श्रद्धा परिपूर्ण वर्तमान इंग्राजी पढ़ुआ लोक मान हृदय यह समस्त भावना देख मिले मिले ना कि संपर्क राय बाबू मत कही राय कौन कहते ना अनेक पूर्वकालिया बुढ़ा अच्छा जो मैंने मन में समस्त प्रकार आविलता पूर्ण से संकीर्णता जो जगत में केवल निजर सुख सुविधा देखुवे पुओ माइप केवल समस्त भल ए भाव से सब रही था राय महाशय मत समस्त इंग्राजी पढ़ुआ लोक खराब नुहति विशेषकर प्रकृत इंग्राजी साहब मैंने से समय समय तत्कालीन इंग्राजी पढ़ुआ बाबूं मिसवा सुजोग पाईना इंग्रेज जातिर जो मैंने नीच धरण व्यक्ति से द्वारा प्रभावित होती तत्कालीन इंग्रेज नवशिक्षित बाबू मैंने तेनाली स्वभाव कदाच कार हरियाणा प्रति आक्रमण पूर्वर रेलवे स्टेशन ठारे नयनतारा कुव्यवहार देखा युवक को हरेन्द्र जो आघात देते तार शत्रुतार स्वरूप घोष बाबू को दुई भाई हरेन्द्र को स्पोर्टिंग क्लब ठारे मरणात्मक आक्रमण करते रेलवे स्टेशन जेन कुव्यवहार देखा युवक जेन युवक मैंने देखा नयनतारा उपर से ही समय जेन आघात देते कि हरेन्द्र तर कौन होना जेन घोष बाबू को दुई भाई हरेन्द्र को स्पोर्टिंग क्लब ठारे मरणात्मक आक्रमण कर सुरापान पूर्वक गोष्ठ बिहारी घोष हरेन्द्र को किसी गुंडा लगाई माड़ होती गोष्ठी बिहारी घोष हरेन्द्र को किसी गुंडा लगाई माड़ मराई हरेन्द्र चेताशून होते परवर्त समय राय साहेब पत्नी नयनतारा सौदामिनी आदि समस्त सेवे हरेन्द्र भल हो प्रसंग लेखक प्राय प्राय परिवार सेवा मनोवृत्ति परिचय दे तो आज आम समस्ते मानते पंचम परिच्छेद जाए बुझीगला नयनतारा जो कोड़ेटा परिच्छेद रही है से पांचटी परिच्छेद जाए बुझीगला जी कहार किसी भी डाउट थी तेरे निश्चित भाव में मतलब कमेंट कर जन पार कहीं आज जो थी क्लासटा से प्रमोद सर फास्ट क्लास तो जब किसी भी डाउट था निश्चित भाव में कमेंट कर जन पार डिस्क्रिप्शन में मोर इंस्टाग्राम लिंक दे दीजिए जी भी चाहे पचारि पार जी भी ग्रुप जॉइन ना हो टेलीग्राम लिंक जॉइन हो जाओ जहाँफर कि पीडीएफ वीडियो थे कमेंट करके पचारि पार तो ठीक अच्छे आज वीडियो में ही ये नेक्स्ट वीडियो में पुणी गोटे नूतन विषय पर आलोचना करवा ना स्पष्ट परिचित जहाँ भी थोड़ा से आलोचना करवा तो रोचे धन्यवाद जय जगन्नाथ पुणी थे समस्त को हृदय धन्यवाद जय मा फैमिली।